गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल कंटिन्यू लेसन 12 इलेक्ट्रिक करंट। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट ड्राई सेल। व्हाट इज ड्राई सेल? जो आप टॉर्चेस में सेल यूज करते हैं, दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज ड्राई सेल। ये सेल आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं? टॉर्च में यूज करते हैं, रिमोट में आप यूज करते हैं, क्लॉक है एंड टॉयज, इन सब में आप इस टाइप के सेल्स यूज करते हैं, इनको ड्राई सेल कहा जाएगा। नाउ इन 1865 जी लैक्लेंचे इन्वेंटेड अ न्यू सेल विच रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ अ सिंपल वोल्टिक सेल। हमने लास्ट क्लास में वोल्टिक सेल के बारे में पढ़ा, इसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं, उन डिफेक्ट्स को रिमूव करके एक नया सेल बनाया गया। इस सेल का नाम क्या है? ड्राई सेल। ड्राई सेल में क्या है, जो वोल्टिक सेल के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको इम्प्रूव किया गया है, उनको रिमूव करके एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी का सेल बनाया गया है। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़ एंड इट इज़ यूज इन टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर्स, टॉयज, क्लॉक्स एसेट्रा। अ ड्राई सेल कैन प्रोड्यूस अ वोल्टेज ऑफ 1.5 वोल्ट्स। एक ड्राई सेल कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है? 1.5 वोल्ट्स। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल। अब ड्राई सेल बना कैसे होता है, अब इसको आप तोड़कर चेक करेंगे तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है वो हम डिटेल में देखेंगे। अ ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ कार्बन रोड इंसर्टेड इन टू अ ब्लैक कलर्ड पाउडर। एक ब्लैक कलर का पाउडर होता है, उसमें ब्लैक कार्बन रोड को यूज़ किया जाता है। ये कार्बन रोड है, ये आप यहाँ देखेंगे सेंटर में जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कार्बन रोड। कार्बन रोड को एक ब्लैक कलर के पाउडर में रखा जाएगा। ये जो ब्लैक कलर का पाउडर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये एक्चुअल में केमिकल है। इस केमिकल का नाम है मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। द पाउडर इज टेकन इन अ स्मॉल मजलिन बैग। एक मजलिन बैग में इस पाउडर को लिया जाता है और इस बैग को एक जिंक कंटेनर में रखा जाएगा। जो आपको ये बाहर की बॉडी दिखाई दे रही है, ये क्या है? जिंक कंटेनर। ये जो ग्रे कलर का पार्ट है, दिस इज जिंक कंटेनर। इसमें ये ब्लैक कलर का पाउडर फिल किया जाता है और सेंटर में एक कार्बन की रोड यूज की जाती है। ये क्या है? ड्राई सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर। द स्पेस अराउंड द मजलिन बैग इज फिल्ड विद मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जेलेटिन। यहाँ पे देखो ब्लैक पाउडर है और ये जिंक कंटेनर, इसके बीच में जो ये गैप है, इस गैप में क्या है? अमोनियम क्लोराइड पेस्ट को फिल किया गया है। द जिंक कंटेनर इज प्लेस्ड इन अ लीक प्रूफ कवर एंड द टॉप इज सील्ड विद पिच। द जिंक कंटेनर एक्ट्स एज एनोड। जो ये जिंक कंटेनर है, ये नेगेटिव एंड है सेल का। अगर आप देखेंगे ये पॉजिटिव एंड है, नीचे क्या है? नेगेटिव एंड। ठीक है, आप देखेंगे ये माइनस है और ये प्लस एंड है। तो जो नीचे वाला नेगेटिव पार्ट है, ये क्या है? बेसिकली जिंक कंटेनर है। ठीक है, और ये जो अपर पार्ट है, ये क्या है? पॉजिटिव एंड है ये। एंड अ कार्बन रोड एक्ट एज कैथोड, डेट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यूजली अ ब्रास कैप इज प्रोवाइडेड ऑन दी कार्बन रोड। कार्बन रोड के ऊपर आप देखेंगे एक ब्रास की कैप लगी हुई है यहाँ पर, और ये नेगेटिव टर्मिनल है और नीचे की साइड ये क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नीचे क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। When the cell is connected to an electric device, chemical reactions take place in the cell and electric current is produced. अब करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? अब इस सेल में जैसे आप इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्ट करते हैं, अब ये देखिए इसको मैंने नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया, पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया और नीचे मैंने नेगेटिव एंड से इस वायर को कनेक्ट किया। जैसे ही मैंने कनेक्शन कंप्लीट किया, इस सेल में जो केमिकल्स हैं उनमें केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। वो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे फ्लो करेगी इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, सर्किट ऐसे कंप्लीट हो गया। तो इस सेल से करंट ऐसे फ्लो करता है और इस करंट की वजह से बल्ब ग्लो करेगा। तो ऐसे सेल यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ ड्राई सेल। ड्राई सेल के एडवांटेजेस क्या है? दिस सेल इज लाइट इन वेट। इसका वेट बहुत कम होता है, इसको ईजिली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ड्राई सेल का जो साइज है वो स्मॉल होता है।
दिस सेल कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईजिली. इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है क्योंकि इसका साइज छोटा है और ये कन्वीनियंट है, ईजिली यूज किया जा सकता है. देयर इज़ नो फियर ऑफ लीकेज इन ड्राई सेल. अब यहाँ पे जो केमिकल्स होते हैं ड्राई सेल में वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, पाउडर फॉर्म में है, तो इससे जो केमिकल होते हैं वो लीक नहीं हो सकता है. पूरा कॉम्पैक्ट फॉर्म में पैक्ड है ये, इस सेल से कोई भी केमिकल ईजिली लीक नहीं हो सकता, तो ये इसका फ़ायदा है, बेनिफिट है. नेक्स्ट हम देखेंगे बटन सेल्स. आपने देखा होगा जो आप रिस्ट वॉच होती है उसमें ऐसे छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं बटन साइज के, इन सेल्स का नाम क्या है, बटन सेल. बटन सेल्स आर दी सेल्स विच आर ऑलमोस्ट एज स्मॉल एज बटन्स. इनका साइज बटन के साइज के इक्वल होता है, ऑलमोस्ट बराबर होता है. और ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं, रिस्ट वॉचेस, कैलकुलेटर्स एंड मैनी डिजिटल आइटम्स. जो कैलकुलेटर्स होते हैं उनमें बटन सेल यूज होंगे, रिस्ट वॉचेस में बटन सेल यूज होंगे. ये सेल्स किससे बने होते हैं, निकल एंड कैडमियम. द प्लेट्स ऑफ दीज सेल्स आर मेड फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ निकल एंड कैडमियम. ये जो बटन सेल का अपर पार्ट है वो निकल से बना होगा और नीचे वाला पार्ट कैडमियम से बना होता है, इसलिए इन सेल्स को निकल कैडमियम सेल भी कहा जाता है. ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यानी ये जो लिक्विड है, दो रोड हमने कैडमियम और निकल की यूज़ किए, और इसमें जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है. इस सेल का एडवांटेज ये है कि ये ईजिली डिस्चार्ज नहीं होते, ये काफ़ी लंबे टाइम तक इनको यूज़ किया जा सकता है. तो ये बटन सेल के बेनिफिट है. इसमें दो रोड हम यूज़ करते हैं निकल एंड कैडमियम की. इसमें निकल और कैडमियम के बीच में जो सॉल्यूशन भरा होता है वो क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. और इस सेल के एडवांटेज क्या हैं, ये काफ़ी समय तक, काफ़ी कई महीनों तक चार्ज रहता है विदाउट एनी लीकेज. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू